अरे अरे इधर ही ठीक है। क्या तुम्हारे क्लेमेंट निकली है? अरे भाई मैंने बुकिंग करवाई है। तो मैंने क्या रास्ते में से फड़ी उठाई है? अरे मैं कहता हूँ मैंने बुकिंग करवाई मेरी थी क्या यार मेरे हूँ मत लगना। चलो कहाँ चलो टीटी से नहीं मैं क्यों जाने लगा टीटी मैंने बुकिंग करवाई है टीटी से टीटी से बात तो वो है। अरे ये किसकी बत्ती है? मेरा पैर कुचल के रख दिया। आई मेरी है क्यों है? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो इतने मुसाफिर। रेल का डिब्बा और ये तुम्हारी बच्ची की ये शरारतें। लो तो मेरी बच्ची को क्या मालूम बेचारी को कि ये रेल का डिब्बा है। वो तो यही खेलेगी। कर लो जो करना है। इधर आओ बेटी देख रही हो। इधर जा बेटा उन आंटी के पास जा बैठ जा। देख कैसे प्यार की नजर से तुझे देख रही है। गुस्से भी मालूम होती है। लो ऐसी बात नहीं करते। आज तुझे क्या पता प्यार की नजर क्या होती है? क्या ये गुस्से से स्टार्ट लेती है? जा उनके पास जाके बैठ जा। वाह भाई वाह क्या अच्छी तरबियत दी जा रही है बच्ची को। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मेरी बच्ची तो यही खेलेगी। तुम क्या बिगाड़ लोगी इसका? देखना मेरा रोजा है नहीं तो मैं देख लेती कि कैसे खेलती है तुम्हारी बच्ची। इधर हाय हाय तो रोजे के बाद बिगाड़ के देख लेना क्या कर लोगी तुम इसको। मैं देख लूंगी तुम्हें रोजे के बाद। हो गया तुम्हें? ये रेल है कोई घर नहीं है। लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो मरो। मरो देख रही हो आप? हमें कह रही है लड़ो मरो। खबरदार मुझे आप मत कहना। हटो। क्या मुसीबत है? ये इतना झगड़ा क्यों करती हैं? सफर तो काटना है ना किसी तरह। झगड़ा ना करें तो और क्या करें? सुनो जरा देखो सामने वाली को कैसे मुंह फुला के बैठी हुई है। भाभी सुनिए तो क्या सोच रही है? कुछ नहीं बोल रही। तो फिर इस तरह खामोश क्यों है? मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हारे भाईजान को ऐसा नहीं समझा था। ओहो भाभी आप किस गलतफहमी में है? देखिए ये भी तो हो सकता है कि भाजन को कोई काम पड़ गया और ये भी हो सकता है कि मसरूफ हो। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि ईद के लिए भी नहीं आ सकते। आए मैं जानती हूँ जब से रमजान शुरू हुआ है मेरी बाई आंख भड़कने लगी। मैं समझी कोई ना कोई बात जरूर। ओहो ना आप भी हद करती है। भाभी से सब बातें कहने की क्या जरूरत है? अच्छा आप जाके वहाँ बैठे जाइए। जाती हूँ लेकिन जाते जाते मेरा मशवरा याद रखना। कराची पहुँचते साहब की गर्दन पकड़ लेना। जरा सी ढील दो कन्नी कतराने लगते हैं। इतना सा मुँह निकला है मेरी बच्ची का। आई कहा इतना सा मुँह है? अच्छा खासा मुँह तो है। आज तुमसे कौन बोल रहा? नीलो तुम यहाँ आके बैठो। अभी तुम क्यों इनसे बात कर रही हो? अरे इनकी तो आदत ही यही है हर एक से उलझती फिर रही है। अरे खबरदार तुम कौन होती है मेरी आदत से बात करने वाली? मैं कह रही हूँ मैं होती हूँ खुदाई फौजदार। होती होगी खुदाई फौजदार ऐसे खाम खा मुझे बातें कर रही है। चलो चुकी बैठो। तुम चुप करो। भाभी ये बात तो मेरी अब समझ में आई कि ये तुमने अचानक लाहौर से कराची का प्रोग्राम कैसे बना दिया। उनके बगैर मैं ईद कैसे करती? ठीक है ना अपना हक लेने जा रही हूँ। कैसे बातें कर रही हो भाभी? कहाँ तो देखो ये लिख रहे थे कि तुम्हारे बगैर ईद की खुशियाँ कैसी और अब देखो लिख रहे हैं वहाँ से कि दफ्तर का काम इतना ज्यादा है कि मैं अभी आ नहीं सकता। आई बीबी उस वक्त से बैठी तुम खेत और मैदान देखती चली जा रही हूँ। आई मुझे भी तो देखने दो। लहलहाते हुए खेत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मतलब आपका? भाई मतलब ये है कि ये सीट खाली करो मुझे यहाँ बैठने दो। अरे वाह ये क्या बात हुई भला? मेरी सीट रिजर्व है? आई सीट तो रिजर्व है लेकिन मैदान तो रिजर्व नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं देख चुकी हूँ जब से आप आई हैं बारी बारी हर एक से लड़ चुकी हैं। चुप करके बैठ जाए अपनी जगह पर। रोजेदारों को इल्जाम मत दो। तुम रोजेदार कब से तो तुम खाई चली जा रही हो? क्या बातें कर रही हो तुम? मेरी बात सुनिए। देखिए इंसान को रोजे में तो अपने आप पे काबू रखना चाहिए। हाँ जी काबू रखना चाहिए और आप इस सीट को काबू रखें और मैदान को लगा ले सीने से। ओहो ये कैसी औरत है? आई अच्छी औरत हूँ। एक से एक मिल रहे हैं सफर में हमें। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ किस खुशी में चल पड़ी हूँ। इसलिए कि तुम मेरी नंद हो ना अपनी आंखों से चल के देख लेना अपने भाईजान के सारे तमाशे। अच्छा जरा एक तरफ को तो हटो मैं जरा खान साहब को आवाज दे लूँ। कौन खान साहब? अरे मेरे रिजवान के अब्बा मेरे शौहर। और कौन? कहाँ है वो? बस यहाँ से तीसरे डिब्बे में बैठे
तो आपका क्या ख्याल है कि चलती ट्रेन में से वो आपकी आवाज़ सुन के चले आएंगे? तो कैसी बातें कर रही हो, मेरी आवाज़ सुन के तो वो आसमान पे से नीचे उतर आए। तुम ट्रेन की बात करती हो? अच्छा भटो भी, अरे रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा जरा इधर तो आना, यहाँ तो आओ। बस देखो अब आती होंगे। हाँ सर्कस में काम करते हैं, आते ही होंगे। तौबा है, ये क्या तमाशा हो रहा है? जो तुमने कहा है ना, मैंने सब सुन लिया है बीबी। ये तमाशा नहीं है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा ही होना चाहिए। अरे वाह वाह, ये कैसी मोहब्बत, कैसे खासा शौहर को खतरे में डाल रही हो? अरे बहन तुम्हें क्या मालूम, इनकी पहली बीवी ने तो इन्हें हवाई जहाज से कूदने को कह दिया था। हेलो, मैं पहले कह रही थी कि सर्कस में काम करते होंगे। अच्छा बहन भैया, मेरी सीट का ख्याल रखना, मैं भी आती। ये तुम हाँ मखा के लिए सर्कस सर्कस क्यों चली जाती हो? क्या तुम हंटर वाली थी सर्कस में? आ, मैं तो हंटर वाली थी, तो तुम क्या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती थी? अच्छा चलाती थी, नहीं चलाती थी। हेलो, ये किसी और की सीट है। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगी तो मैं उड़ जाऊंगी। दरअसल इस डिब्बे में कोई ऐसी नजर नहीं आ रही जिससे बातें की जा सके। आई क्यों बीबी, तुम क्या अपनी बातों में फलसफा बोलती हो? मैं आपके मुंह लगना नहीं चाहती। मेरा नाम गुलनार है, गुलनार। आई गुलनार हो के तलवार हो, आज तुम क्या मेरी गर्दन काट लोगी? कोई बात नहीं, आप हम लोगों से बातें करें। हेलो, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? हम कराची जा रहे हैं, और आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी कराची जा रही हूँ, मेरे शोहर का ट्रांसफर हो गया है। आपके शोहर कहाँ है? अगले डिब्बे में। मैंने तो कहा था कि ईद के बाद चले, मगर वो नहीं माने, कहने लगे कि ईद नए शहर में बनाएंगे, अच्छा लगेगा। वैसे एक बात और बताओ, ऐटो तुम मेरी सीट पे कहाँ बैठ गई? अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, अभी उठ जाऊंगी। मेरा नाम गुलनार है, गुलनार। गुलनार हो तो मैं भी रोजेदार हूँ, अब फिर मुझसे तो खड़े भी नहीं हो जा रहा। चलो चलो उठो मेरी जगह से, मैं आप दोनों के पास अच्छा फिर आऊंगी। नहीं बीबी नहीं, अब मत आना, जाओ आराम से अपनी सीट पे बैठो। तो आपको क्या हो रहा है? अच्छा जाओ बीबी जाओ, इनके मुंह मत लगो। खाम खा, अरे तुम क्या बेकार के लिए जली जा रही हो मुझसे? मैंने क्या जलना है? तुम तो ऐसी बैठी हो जैसे तुम तो बिल्कुल बहुत ही शराफत से बैठी हो, तुम्हारी तो आवाज भी नहीं सुनी किसी ने। जा जाओ जाने दो, तुम शराफत से बैठी हो, पता नहीं हाथ वगैरह लड़ाएंगे। अरे आजा मेरे बच्चे, सुनाओ इनको, उसे बैठा ली भी इन लोगों ने। ये अब्बा है लाहौल वाला कुआं, अब्बा ऐसे होते हैं? हाँ तो आप कैसे होते हैं? ये तो बहु बाटा लग रहे हैं मुझे। अरे तुमने पुकारा तो मैं चला आया। बहुत अच्छा किया रिजवान के अब्बा, देखो मैं ना कहती थी कि मैं आवाज दूंगी तो फौरन चले आएंगे। आगे आए देखो तो भला,